let us discuss the concept of electrostatics of conductors. So if you are considering charging conductors, so at that time हम लोग को कुछ properties देखनी है और ये बहुत useful properties मानी जाती है. तो I guess 6-7 properties है, मैं explain करते जाऊँगा, आपको ये याद होते जाएगा. दूसरी बात, ये properties हम लोग को क्यों पढ़नी है, क्योंकि आगे जाके जो capacitance पढ़ना है उसके लिए इसमें से बहुत सारी properties आपको use करनी है. एंड जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि वैन डी ग्राफ जनरेटर हो गया, या बहुत सारे एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जहाँ पे ये कंडक्टर जो होते हैं उनका बेसिक अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ ज़ीरो. अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ ज़ीरो, ठीक है? तो मान लो मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये पॉजिटिव है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में. मान लो हम लोग ऐसा कुछ लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा, यहाँ से ऐसा जाएगा, है कि नहीं? ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाएगा, समथिंग लाइक दिस. एकदम आसान है ये, एक बार सुन लेना आपको समझ जाएगा. सो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ई जीरो है, और ये ई जीरो क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम लोग ने जनरेट करके रखा है. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हमें क्या करना है, इसके अंदर एक कंडक्टर को रखना है. तो अगर इसके अंदर मैं एक जनरल कंडक्टर को रखता हूँ, कोई भी एक कंडक्टर, न्यूट्रल लेना है इलेक्ट्रिकली, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहो. तो इसके अंदर जैसे ही आपने रख दिया, क्या होगा, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्री होंगे, है कि नहीं? तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्टनली ये पोजिशन पर आने की कोशिश करेंगे. तो ये वाला जो पार्ट होगा कंडक्टर का वो नेगेटिव बन जाएगा, और अल्टीमेटली ये वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव बन जाएगा. तो अगर ऐसा है तो जैसे ही ई जीरो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगा और उसको हम लोग नाम देते हैं ईपी वेक्टर. तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ई जीरो वेक्टर है, मेरे पास ईपी वेक्टर है. लेकिन अगर आप देखते हो तो ई जीरो वेक्टर एंड ईपी वेक्टर का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट है. तो वो स्पेसिफिक केस में आंसर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आएगा जीरो. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो कंडक्टर है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. सो देयर विल बी जीरो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इनसाइड द कंडक्टर. आसान है ना, बेसिक एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, 2 मार्क के लिए आता है, एक्सप्लेन करो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स क्या है. 6-7 पॉइंट्स है, फटाफट ये सारे पॉइंट्स आप लिख के आ जाओगे, आपको मार्क्स मिलेंगे. लेकिन एक एक दो दो लाइन का एक्सप्लेनेशन भी लिखना है. तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, लेट देयर एग्जिस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई जीरो वेक्टर, वी आर कंसिडरिंग अ कंडक्टर इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी वेक्टर दैट विल बी फॉर्म ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो एंड इट विल बी फॉर्म इनसाइड द कंडक्टर. सो इट इज ऑब्जर्व दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट. सो ई जीरो एंड ई पी विल बी इक्वल्स टू जीरो. सो अल्टीमेटली हमें क्या मिलने वाला है, ई जीरो वेक्टर इक्वल टू ई पी वेक्टर. तो ये बन गया हमारा इक्वेशन, और इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ जीरो व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये बन गया मेरा फर्स्ट पॉइंट. अभी देखते हैं पॉइंट नंबर 2. अभी जो पहला वाला है उसके ऊपर डिपेंडिंग ही पॉइंट नंबर 2 है, इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर हैव अ नो एक्सेस चार्ज इन अ स्टैटिक सिचुएशन. अभी ये चीज का क्या मतलब है, ठीक है? अभी इसको किस तरह से समझ के लेना है, मान लो ऐसी सिचुएशन है, दो केस से बताऊंगा. मान लो ऐसी सिचुएशन है मेरे पास, और यहां पे अगर अंदर देखते हो आप, तो अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दिखाई दे रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो इसका मतलब देखो ना, सारे पॉजिटिव चार्जेस एक एंड में आ गए, सारे नेगेटिव चार्जेस एक एंड में आ गए. तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो अंदर तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब नेट एक्सटर्नल फील्ड और इंटरनल फील्ड का अगर इफेक्ट देख रहे हो तो आंसर जीरो आ रहा है. तो अल्टीमेटली सपोज यहाँ पे आप एक छोटा सा सर्फेस बनाते हो और इसको आप नाम दे रहे हो गॉशियन सर्फेस. सो गॉशियन सर्फेस अगर आप बना रहे हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई भी फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम लोग स्ट्रांगली बोल सकते हैं इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर हैव अ नो एक्सेस चार्ज इन अ स्टैटिक सिचुएशन. तो ये केस हो गई. केस नंबर 2 देखते हैं. मान लो ये कंडक्टर है, इसको आपने चार्ज कर दिया, तो मान लो इसके ऊपर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आपने डाल दिया, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने की कोशिश करेंगे, सरफेस के ऊपर आएंगे. तो अगर ये स्पेसिफिक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो ऐसा कुछ होगा, है ना?
मतलब बाहर से स्टार्ट हो रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर खत्म हो रहा है। अगर अंदर आपने अगेन गॉसियन सरफेस बनाया, कैसा भी बनाओ, ऐसा बनाओ जैसा आपको चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी अंदर चार्ज नहीं है। तो अगर अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे फ्लक्स नहीं होगा, एंड फ्लक्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर विल हैव नो एक्सेस चार्ज इन अ स्टैटिक सिचुएशन। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे अभी एक्सटर्नल फील्ड में रखो तो भी नहीं दिख रहा है, और ऐसे ही नॉर्मल रखा आपने तो भी आपको नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर टू। लेट अस सी पॉइंट नंबर थ्री। सिंपल है ये भी, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ये चीज बताना आसान है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये थोड़ा कंडक्टर है, उसका शेप थोड़ा चेंज कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस मैंने कर दिया। मान लो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ऐसा इनको ड्रॉ कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, और यहाँ पे अगर आपने एक छोटा सा लेंथ कंसिडर किया तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री ऑल द टाइम। तो कोई भी चार्ज का पॉइंट आप कंसिडर करो, वहाँ पे सरफेस जो भी होगा वो स्पेसिफिक पॉइंट का, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वो स्पेसिफिक सरफेस 90 डिग्री एक दूसरे से होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। अभी ये चीज को और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेट मी चेंज द मार्कर। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ टेंजेंट, अभी देखो यहाँ पे, ये अगर छोटा सा देखते हो तो यहाँ पे मेरे पास ई वेक्टर है, और यहाँ पे अगर आप डीएल वेक्टर लेते हो तो ई डीएल ना, और कॉस थीटा है आपके पास, लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री है। तो अगर ऐसा कुछ केस है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट टू द सर्फेस ऑफ अ कंडक्टर मस्ट बी जीरो, सिंस ई कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 90 डिग्री। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो भी सेम केस होगा, नेगेटिव चार्ज है तो भी सेम केस होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर फोर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है तो पोटेंशियल की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी। अभी आप बोलेंगे कि अरे पोटेंशियल कॉन्स्टेंट कैसे होगा, है ना, तो आप बोलेंगे अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट कैसे हो गया, क्योंकि ई इज इक्वल्स टू आप क्या लेते हो, वी अपॉन आर, ऐसा फॉर्मूला लेते हो ना। तो अगर ई जीरो है तो वी भी तो जीरो होना चाहिए, कुछ बच्चों का लॉजिक उसमें गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपको क्या पता है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है ना, तो मतलब अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आपको एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ेगा, और जब भी आप एक चार्ज को कंडक्टर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हो तो आपको वर्क डन मिलेगा, एंड वर्क डन की कुछ वैल्यू होगी, उसके हिसाब से आप बताओगे कि पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ रहे हो, तो डेफिनेशन पे खेलना है अभी। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर एंड इट हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सर्फेस। अभी ये ऐसा क्यों बोला है, अभी देखो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक चार्ज है, और ये चार्ज को अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हो, तो कोई भी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर आप चार्ज को मूव कर रहे हो तो अल्टीमेटली आंसर आपको क्या मिल रहा है, आंसर आपको जीरो मिल रहा है। सो यहाँ पे देखो, वर्क डन ए से बी तक लेके जाओ, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वर्क डन आपका जीरो होने वाला है ना। तो पोटेंशियल की वैल्यू थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी, वर्क डन इज अ जीरो, सो नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो वी विल से दैट इट इज अ कॉन्स्टेंट। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो तो इट इज परपेंडिकुलर टू सर्फेस, तो यहाँ पे कोई भी टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट आपको दिखाई नहीं देगा, तो टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट नहीं है। तो अगर सर्फेस के ऊपर भी अगर आप चार्ज को मूव करवा रहे हो तो भी वर्क डन आपका जीरो ही होने वाला है, दैट इज मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑन द सर्फेस। तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी कांस्टेंट क्यों रहता है अगर आप अंदर चार्ज को मूव करवा रहे हो तो, उसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर फाइव। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज अ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज कंडक्टर आप देख रहे हो और उसके जस्ट बाहर अगर आपको किसी ने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो यहाँ पे ये डेरिवेशन ऑलरेडी किया हम लोग ने, यहाँ पे आप एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करोगे, है ना, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ई वेक्टर डीएस वेक्टर होता है सरफेस के ऊपर, तो मतलब लाइक परपेंडिकुलर डीएस होगा आपका, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा, अंदर तो जीरो होगा, ये डेरिवेशन किया है हमने, और उसका जो फाइनल आंसर है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। आप प्रीवियस लेक्चर रेफर करना, गॉस थ्योरम का जो लास्ट वाला पार्ट है एप्लीकेशन का, वहां पे ये चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है, आप चाहते हो तो ये आप जाके जरूर देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट चीज देखते हैं, पॉइंट नंबर फाइव के बाद एक पॉइंट नंबर सिक्स है जो मैं यहां पे ही लिख रहा हूं। पॉइंट नंबर सिक्स का मतलब क्या है, यहां पे देखो ठीक से ऑब्जर्व करना, यहां पे अगर ऐसा कुछ पॉइंटेड सर्फेस है समथिंग लाइक दिस, या मतलब कम है या ऐसा कुछ सर्फेस होता, तो यहां पे ना बहुत सारे चार्जेस एक जगह पे एक्यूमुलेट हो चुके, ऐसा आपको लगेगा।
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू अलग अलग होती है, एंड सिग्मा क्या होता है, एरिया के ऊपर डिपेंड भी कर रहा है। तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे एरिया की वैल्यू अलग होगी, और थोड़ा ऊपर जाओगे ये स्पेसिफिक जोन में चार्जेस स्प्रेड हो चुके हैं तो वहां पे भी एरिया की वैल्यू अलग अलग होगी। तो सिग्मा की वैल्यू डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सर्फेसेस, सो इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। समझ रहे हो, सिग्मा विल बी ग्रेटर देन जीरो फॉर पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा विल बी लेस देन जीरो फॉर नेगेटिव चार्ज। तो ये बन गया मेरा पॉइंट नंबर सिक्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अभी ये क्या चीज है, मान लो बारिश के टाइम पे आप घर से बाहर निकल रहे हो, ठीक है, और घर से आप बाहर निकले, आप गाड़ी में बैठे हो और लाइटनिंग हो रही है। तो जब भी लाइटनिंग होती है तो वो टाइम पे आप गाड़ी के अंदर बैठना पसंद करोगे या गाड़ी से बाहर जाना पसंद करोगे? सोचो। अभी आप ये मत बोलना रोमांटिक माहौल होगा, मैं गाड़ी के बाहर जाऊंगा घूमूंगा, वैसा नहीं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके हिसाब से आंसर दे रहा। मान लो यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है, डिश 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 डिश, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइटनिंग हो रही है। मान लो नीचे आपकी गाड़ी है, ये है आपकी गाड़ी, समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसी कुछ तो गाड़ी आपकी, आप ऐसा अंदर बैठे हो, ठीक है। तो जैसे लाइटनिंग होती है ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है ना। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, कार का जो ओवरऑल पार्ट्स है वो कैसे मेटल से बने हुए हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपने देखा है इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सेम फिनोमिना यहाँ पे होगा। तो जितने भी चार्जेस है वो गाड़ी के बाहर आ जाएंगे, अंदर आप सेफ हो, तो अंदर आप ज्यादा सेफ हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारी जगहों पे काम आता है, मतलब लाइक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है तो फिर उनको एक प्रॉपर मेटल बॉक्स के अंदर रखा जाता है सो दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अभी यहाँ पे सर्टन रीजन ऑफ अ स्पेस, मतलब ये जगह है, इसको अगर प्रोटेक्ट करना है तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के नाम से जाना जाता है। इसको फैराडे केजेस भी बोलते हैं, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज अ जीरो टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स। इसका और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लो मेरे पास ऐसा कोई तो एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपने ऐसा केज बनाया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पे आपने ऐसा अर्थिंग कर दिया। अभी मान लो ये जो है इसके वजह से बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ऐसा बहुत सारा चार्ज आपने दिया, वेरी हाई वोल्ट, तो इसके वजह से ये जो केज है ना इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट जितने भी चार्जेस है वो सारे जमीन में फ्लो होंगे, और अगर आप बाहर हो ना तो आपको कुछ होगा नहीं, आप सेफ हो। दूसरा वाइस वर्सा केस देखते हैं, मान लो ये टॉवर है आपके पास, समथिंग लाइक दिस, और ये बहुत हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, और ये केज है, आप इसके अंदर हो, अगर ऐसा कुछ है आप इसके अंदर हो तो फिर आप सेफ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ नहीं पहुंचेगा। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जो फिजिक्स में आपको पढ़ने के लिए मिलती है, और यही जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। लेट्स हैव अ क्विक रीकैप, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ये जीरो होता है। ये कब होता है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, तो इंटरनली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वल अपोजिट कैंसिल आउट करेगा, अंदर जो होगा कुछ भी नहीं होगा। सेकंड नंबर में क्या बोल रहे हैं, सेकंड में बोल रहे हैं कि देर विल बी नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इन अ स्टैटिक सिचुएशन। अगर यहाँ पे भी दो केसेस है, अगर आपने कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, और ये कैसे पता चलेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो और देखो वहां पे फ्लक्स जनरेट हो रहा है कि अल्टीमेटली देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो फ्लक्स, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी देयर। दूसरा केस नॉर्मल, आप एक कंडक्टर लो जिसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है, तो अल्टीमेटली कंडक्टर अगर आपके पास है तो चार्ज सरफेस के ऊपर आएगा, और अगर आपका चार्ज सरफेस के ऊपर आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अंदर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, अगेन जितना भी साइज का आपको चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। पॉइंट नंबर थ्री, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर ऑफ अ चार्ज कुछ दिया है आपने, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और वहाँ पे जो छोटा सा सरफेस आप ड्रॉ करोगे एंगल 90 डिग्री बनता है, तो थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, तो अल्टीमेटली ई डी एस कॉस थीटा का वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे ई जीरो होता है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर क्या बोल रहा है, पोटेंशियल जो है वो कॉन्स्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी टेस्ट चार्ज अगर आप कंडक्टर के अंदर कंसिडर करते हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आप मूव करवा रहे हो, तो वो स्पेसिफिक केस में वर्क डन जीरो होगा, सो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो वर्क डन नहीं है अल्टीमेटली आपके पास, सो पोटेंशियल विल बी कॉन्स्टेंट। सर्फेस के ऊपर भी अगर आप चार्ज को मूव करवा रहे हो, सो इट विल एक्ट एज इक्विपोटेंशियल, सर्फेस वैल्यू विल बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड चार्ज कंडक्टर, तो अगर मेरे कंडक्टर है उसके जस्ट बाहर अगर आपको निकालना है तो उसके लिए एक प्रॉपर डेरिवेशन है जो आप गॉस थ्योरम के एंड वाले पार्ट में देख लेना, प्रॉपर उसको डिफाइन किया गया है, बता दिया गया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर वो वैल्यू होती है। नेक्स्ट, ये खत्म होने के बाद पॉइंट नंबर सिक्स जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी,
अलग अलग होती है अलग अलग एरियाज के लिए. अगर एरिया छोटा है तो सिग्मा की वैल्यू अलग होगी, एरिया थोड़ा सा बड़ा कर दो सिग्मा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो ए के ऊपर डिपेंड करती है. सिग्मा की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होगी या ग्रेटर देन होगी जब क्यू आपका पॉजिटिव होगा, इट विल बी लेस देन जीरो व्हेन क्यू इज़ अ नेगेटिव. ठीक है. और लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये बहुत फेमस फिनोमिना है, इसको फैराडे केजेस के नाम से भी जाना जाता है. सर्टन कंडीशंस अगर आपके पास है तो अंदर का पोर्शन, स्पेस का एक स्पेसिफिक पोर्शन आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मुक्त कर सकते हो. और ये जो है बहुत सारे प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशंस है, जैसे कि गाड़ी के अंदर आप बैठे हो, समथिंग लाइक दिस केजेस वाला अगर आपके पास है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूटिलाइजेशन होता है. आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा. लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ मटेरियल. ठीक है. अगर हमें इलेक्ट्रिक बिहेवियर समझना है कंडक्टर और इंसुलेटर का, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि बाउंड चार्जेस किसको बोलते हैं और फ्री चार्जेस किसको बोलते हैं. मान लो मेरे पास ये एक मटेरियल है. ठीक है. ये मटेरियल में बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जो एक दूसरे से एक स्पेसिफिक दूरी पर है. अगर सॉलिड है तो ये एटम्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे. लिक्विड और गैस के बारे में ये चैप्टर में तो हम लोग बात कर नहीं रहे, तो ज़रूरत नहीं है. तो सॉलिड देखो, यहाँ पे हमारे पास ये एटम्स है. अभी ये अगर सिंगल एटम को उठा के अगर आप देखते हो तो आपको कैसे दिखाई देगा, ये आपके पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, पॉजिटिव है मतलब, और आउटर शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे आपको दो इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको आठ मिलने वाले हैं. कुछ नहीं, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मतलब आगे जो आपको पढ़ना है उसके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है. और उसके बाद भी फिर जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ पे भी कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इनिशियली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्विवेलेंस टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो ना, तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब ये वाला, ये शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये टाइटली बाउंड होते हैं. टाइटली बाउंड मतलब इनको हटाना पॉसिबल नहीं होता, बहुत हैवी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. लेकिन जो एकदम एक्सट्रीम आउटर मोस्ट शेल्स होंगे, अभी इसके बाद भी तो शेल्स होंगी, तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी सी एनर्जी में भी निकल जाते हैं और इनको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे. तो अभी यहाँ पे मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए आउटर मोस्ट शेल के. अभी इमेजिन करो ये वाला सॉलिड का पोर्शन है आपके पास और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए. सिमिलरली सेकेंड एटम के लिए भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, इसके लिए भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए. तो अभी क्या हो रहा है, आपके पास एक बड़ा सा सेक्शन है जो पॉजिटिव आप कंसिडर कर रहे हो क्योंकि उसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्रीली मूव कर रहे हैं इधर उधर. लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल सॉलिड के लिए काउंट करोगे तो वो नंबर तो सेम ही होगा और आप बोलोगे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि नहीं. तो अभी आपको क्या करना होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनको मूव करना है और उसके प्रॉपर्टीज को ही देखना है, तभी जाके आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो और बेसिक नॉलेज है अच्छे से समझेगा. तो ये था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ मटेरियल. लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स. डाइइलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सो एक ऐसे टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स को ट्रांसफर करता है या ट्रांसमिट करता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता. अभी यहाँ पे ये जो डेफिनेशन मैंने पढ़ा, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन अभी इसका मतलब क्या है ये समझने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करना पड़ेगा. माइक्रोस्कोपिक मतलब हम एटम्स के ऊपर ऑब्जर्वेशंस करेंगे और उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये क्या बोल रहे हैं. ठीक है, तो देखते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है. इसके दो टाइप्स है अगर कैटेगराइज करें तो, दो मार्कर क्वेश्चन है, डिफरेंस के फॉर्म में पूछा जाता है कभी कभी. सो नॉन पोलर एंड पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, इसका मतलब क्या है. तो इसमें दो कैटेगरीज कैसे कर सकते हो आप, अभी एग्जांपल के तौर पे देखो. मान लो ये मेरे पास एक प्रोटॉन और यहाँ पे मेरे पास एक न्यूट्रॉन है, और यहाँ पे आउटर शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. तो यहाँ पे दो होगा, इसके बाद की जो शेल है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है कि नहीं. तो आइडियल कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं. तो अगर प्रोटॉन का अगर आप सेंटर निकालोगे, ठीक है, या फिर जो पॉजिटिव है उसका अगर आप सेंटर निकालने की कोशिश करोगे, तो इसका सेंटर इधर किधर तो है. लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन्स का भी सेंटर निकालोगे, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो सपोज ये दो इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो आप, ठीक है, अगर इसको आपने एक लाइन से ज्वाइन किया तो उनका सेंटर किधर आएगा, इधर किधर तो आएगा. और इसके आजू बाजू में भी तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, कितने हो गए, 4 हो गए, 5, 6, 7 और 8, ये ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है,
तो मान लो ये दो कंसिडर कर रहे हो आप, तो इनमें एक स्ट्रेट लाइन खींचो, आपको पता चलेगा वो इधर किधर तो सेंटर है, इनको कनेक्ट करो इधर सेंटर है, इसको कनेक्ट करो इधर सेंटर है, और ये दोनों का सेंटर तो यही पॉइंट पे है। तो इसका मतलब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर भी इधर ही आ रहा है। तो अगर हम देखें तो पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर एक ही पॉइंट पे आ रहा है ना। तो यहाँ पे पोल ऐसी कोई भी चीज जनरेट नहीं हो रही है। पोल्स हमने देखो ना, डाइपोल देखा था ना, तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तभी जाके इसको पोल जनरेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिंस सेंटर मैच हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये चीज को बोला जाएगा नॉन पोलर। आई एम रिपीटिंग अगेन, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर डिफरेंस फॉर्म में पूछते हैं तो आप क्या करोगे, इसे दो कॉलम्स बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा आपका, वहां पे आप डायग्राम ड्रॉ करो, चार पॉइंट्स लिखने होते हैं आपको। तो पहला डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम में क्या है उसको एक्सप्लेन करो, दैट विल बी योर पॉइंट वन। टू अगर आपको बनाना है तो उसमें से ही बनाओ, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखना है। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन, अगर मेरे पास दो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो दो एच है, तो उनका जो सेंटर है वो एक ही जगह पे है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो CO2 है ना, तो C आपका अगर इसका सेंटर इधर है, तो O की वजह से भी जो सेंटर बनेगा वो एक ही जगह पे है। तो यहाँ पे हम ये डायग्राम अगर ड्रॉ किया है तो उसको नाम देना पड़ेगा आपको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। सो अल्टीमेटली एक्सप्लेनेशन देखो, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड विद ईच अदर, है ना। सो सेंटर ऑफ अ पॉजिटिव कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ अ नेगेटिव। तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर वन। अब ये सिंपल सी भाषा में मैंने बताया आपको, इसको आप थोड़ा सा बड़ा करके लिखो ना, एज शोन इन अ फिगर और लेट अस अज्यूम और सपोज, ऐसा कुछ आप यूज कर सकते हो वर्ड। सो एज शोन इन अ फिगर वी कैन सी दैट सेंटर ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ अ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ अ प्रोटॉन कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ बोल सकते हो। देयरफॉर ईच डाइपोल, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ईच डाइपोल, सो यहाँ पे जीरो डाइपोल फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायपोल आपका कुछ बनेगा नहीं, डायपोल मोमेंट जो है P वेक्टर विच इज इक्वल टू Q इंटू टू है, तो यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं वहां पे, क्योंकि वहां पे दोनों के बीच में डिस्टेंस है नहीं, डायपोल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग ने देखा है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब भी नॉर्मल स्टेट में ये एटम है तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो शायद सेपरेट हो सकता है, वो कैसे हम थोड़े टाइम के बाद देखेंगे। तो इनका अगर आप शेप देखते हो तो ये सिमेट्रिक शेप में, इसको ऑब्जर्व करो, ये सिमेट्रिक शेप है, ये भी सिमेट्रिक शेप है। तो ये बन गया आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर, पोलर किसको बोलोगे आप, ठीक है। तो यहां पे देखो मेरे पास इनिशियली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, मतलब एक सेंटर है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो सेंटर है वो रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे, तो ये रेगुलर केस है हमारे पास। यहां पे आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अभी मान लो कुछ हुआ और ये 8 इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, चार इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इनिशियली मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, 8 और 2 10 थे, ठीक है, और यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 थे। अभी आपने कुछ प्रोसेस किया और उसके वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशन देखोगे तो प्रोटॉन्स ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है। प्रोटॉन्स कितने हैं आपके पास, 10 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 4 हटा दिए आपने, मतलब 6 है। तो इसका मतलब अभी क्या होगा, थोड़ा सा इंबैलेंस होगा। अभी अगर आप पॉजिटिव का सेंटर निकालोगे तो वो तो इधर ही दिखेगा, लेकिन नेगेटिव का सेंटर जो है वो थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है आपको, ठीक है ना। तो नेगेटिव का जो है, मान लो ये पोर्शन के इलेक्ट्रॉन्स हट गए, तो आपको पता चलेगा थोड़ा सा पॉजिटिव के जस्ट थोड़ा सा बाजू में, इधर या फिर इधर कोई तो एक जगह पे आपको नेगेटिव का सेंटर दिखाई देगा, और ये दोनों के बीच में एक छोटी सी लेंथ भी होगी, तो एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव। अभी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे डायपोल का फॉर्मेशन हुआ है। अभी यहाँ पे एक चीज देखते हैं, पोलर डायलेक्ट्रिक्स बोलते हैं उसको। सो मान लो HCl है आपके पास, तो H और Cl का अगर आप देखते हो तो ऐसा कुछ फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा, ये जो है ये सिमेट्रिक नहीं रहेंगे अभी, और यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव पे एक P वेक्टर जा रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ऐसा आपको दिखेगा। सिमिलर इज अ केस विद H2O, है ना। तो आपके पास H2O है, यहाँ पे H है आपका, यहाँ पे H है, और ऊपर आपके पास O है, तो इनका जो नेट डायलेक्ट्रिक है वो नीचे की तरफ जा रहा है ना,
मतलब अगर आप वेक्टर्स वाला देखते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, जो भी आपको निकालना है इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर ऐसे डायरेक्शन में है और ये भी ऐसे डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट किधर होगा, नीचे की तरफ, दैट इज माय पी वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे देखो, अभी वापस डेफिनेशन पढ़ो, इंसुलेटिंग मटेरियल ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो ना क्या हो रहा है, ये एरो से जो पी वेक्टर है उससे वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, है ना, विदाउट इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ बन गया लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चार्जेस में बन चुका है लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में आगे जाके क्या पढ़ोगे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तो दैट्स व्हाई दैट इज अ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो ये बन गया मेरा डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ किया तो उसका नाम लिखो, नाम क्या लिखोगे, इट इज अ पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ओके, एक्सप्लेनेशन का पार्ट देखो। पॉइंट वन, इन नॉर्मल कंडीशन सेंटर ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, देयरफॉर इट इज हैविंग अ सिमेट्रिक शेप, ये बन गया मेरा पॉइंट वन। एंड स्पॉन्टेनियस और इंट्रेंसिक और परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसमें होता है। तो स्पॉन्टेनियस परमानेंट क्यों बोला, कभी कभी वो इमिडिएटली थोड़े टाइम के बाद बन जाता है, और परमानेंट मतलब वो लाइफ टाइम भी रह सकता है ये एटम्स के साथ या ये जो मॉलिक्यूल आपके पास उसके साथ। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने डाइलेक्ट्रिक क्या होता है इसके बारे में एक थोड़ी सी बात करी, और उसके बाद उसके जो दो टाइप्स है, नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन। लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अभी ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये समझने से पहले कुछ बेसिक समझ लो आप, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसके अंदर हम लोग दो पॉसिबल केस देखने वाले हैं। जो सबसे पहला केस है कि पोलर अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स है तो उसके साथ क्या, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है तो उसके साथ क्या। हमने अभी भी डिस्कस किया था कि पोलर मॉलिक्यूल्स में जो सेंटर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो एक जगह पे होता है ना। तो सेंटर है पॉजिटिव और नेगेटिव का एक जगह पे। अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है, अभी मान लो यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, समथिंग लाइक दिस, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इसको अलाइन करने की कोशिश करेगा, है ना। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है आपका, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर प्लेट्स है समथिंग लाइक दिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसा कुछ दिख रहा है ना। तो ये यूनिफॉर्म काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये जो साइड है नेगेटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब अभी सेंटर थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया ऐसा आपको लगेगा। अभी पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, और दोनों के बीच में एक छोटा सा लाइन अगर एग्जिस्ट कर दे तो आप बोलोगे ये पोल बन चुके हैं, है कि नहीं। तो ये सबसे पहली बात हो गई। अभी ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, अगर मैं एक पूरा एक सॉलिड कंसिडर करूँ और एक पूरा का पूरा ऐसा स्ट्रक्चर है मेरे पास, तो उसके अंदर तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे अगर वहाँ पे मॉलिक्यूल्स है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अगर आप ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म जनरेट करते हो तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह से अलाइन होंगे और एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी बनेगा। तो ये हो गई पहली केस। दूसरी केस देखो, मान लो मेरे पास ऑलरेडी समथिंग लाइक दिस ऐसा कुछ तो है, ठीक है, ये अभी पोलर मॉलिक्यूल मेरे पास है और ये रैंडमली किधर भी मूव कर रहा है एक स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप जनरेट करते हो तो जो पहले ये रैंडमली मूव कर रहा था अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और यही आइडिया है, मैंने अभी आपको जो एक मिनट में बताया ना, वही चीज़ को किस तरह से लिखा जाता है 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए। एंड दूसरी बात, यही चीज़ को आपको कॉम्पिटिटिव में भी कैसे यूज़ करना है ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव चीज़ ज़्यादा पढ़नी है हमें, थियोरी ज़्यादा पढ़ रहे हैं हम लोग, डेरिवेशंस पूरा डिटेल में कर रहे हैं। इसका फायदा आपको अल्टीमेटली ये होने वाला है कि आगे जाके मैं कॉम्पिटिटिव फिजिक्स भी लेने वाला हूँ, तो वहाँ पे जो ट्रिक्स यूज़ करने हैं हमें, लाइक थियोरी कम होगा, डेरिवेशंस बहुत कम होंगे, एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होंगे। तो वो टाइम पे अगर मैं पोलर मॉलिक्यूल वर्ड यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊँगा समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो आपके दिमाग में ना ये पूरा का पूरा जो मेरे बोर्ड के ऊपर पीछे लिखा है ना वो छप जाना चाहिए कि अरे सर ने ऐसा बताया था, तो लाइटनिंग फास्ट स्पीड से आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा, हाँ सर ने बताया था ऐसा ऐसा है, मुझे आता है, अभी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूँ या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता हूँ, और आपका बनेगा क्वेश्चन। मतलब ऐसा नहीं होगा कि समझ ही नहीं रहा है कुछ, रैंडमली पढ़ रहे हो। दैट्स वाई कॉम्पिटिटिव फिजिक्स मैंने पहले स्टार्ट नहीं किया, अदरवाइज मैंने स्टार्ट कर दिया होता। इसलिए ये सब जो है एनसीईआरटी बेस्ड, आपका टेक्स्ट बुक बेस्ड, ये सारी चीज़ें पहले हम लोग कवर कर रहे हैं, सो दैट अगर आप 2021 में ट्राई कर रहे हो, 2022 में ट्राई कर रहे हो, ठीक है, तो आपका ये अच्छे से बन जाए, ये किधर छूट जाना नहीं चाहिए, और एक फिजिक्स पढ़ने का मजा भी आना चाहिए, है कि नहीं। इसके लिए इतना सब मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप सिर्फ साथ देना, आपको ऐसे नहीं बैठना है जब भी आप लेक्चर मेरा सुन रहे हो, आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेके बैठना है, आप अपना टेक्स्ट बुक लेके बैठो, टिक करो कहाँ पे वो रिलेवेंट टॉपिक है कि नहीं। दूसरी बात, आप अपने नोटबुक में जो मैंने पीछे लिखा है ना वो लिखना स्टार्ट करो, अल्टीमेटली आपके नोट्स बन जाएंगे। तो एक बार आपने सुना, एक बार आपने लिख लिया, खत्म हो गई बात, रिवीजन करते रहो,
हो गया काम। एनीवेज चलो भाषण बंद, पढ़ाई चालू। तो डायग्राम देखो सबसे पहले, अभी यहाँ पे अगर मेरे पास एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है नॉन पोलर, तो हमें पता है सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव एक ही जगह पे होता है। और ये कब होता है? जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है, जैसा मैंने यहाँ पे समझा था। लेकिन मान लो अभी इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्ट करवाया आपने, तो ये जो सेंटर है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ये डायरेक्शन में है, तो सर्टनली पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर आ जाएगा, दोनों के बीच में एक छोटा सा लेंथ बनेगा और ये बनेगा डाइपोल। बिकॉज डाइपोल में क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। एनीवेज अभी यहाँ पे एक पूरा का पूरा मेरे पास एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। देखो यहाँ पे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है मेरे पास। सपोज ऐसा कुछ है, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ सबका सेंटर एक ही जगह पे है, ऐसा कुछ तो है ना। और अभी ये ऐसे अलाइंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक्सटर्नली कोई भी अप्लाई नहीं किया है, तभी जाके ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है। अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आप अप्लाई कर देते हो, क्या होगा, ये सेंटर जो थोड़ा सा शिफ्ट होगा पॉजिटिव का और नेगेटिव का, और ऐसा कुछ तो बनेगा। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था समथिंग लाइक दिस, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सो पॉजिटिव सारे एक जगह पे आ गए, नेगेटिव उसके अपोजिट में, पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव अपोजिट, और ये जो सारे अलाइन हो गए वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो गए, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको अगर हर एक का अगर आप डायपोल निकालते हो, देखो ना यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव आपको क्या मिलेगा, पी वेक्टर मिल रहा है। पी वेक्टर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू टू ए वेक्टर, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका पी, इसका पी, इसका पी, इसका पी, सबका पी मतलब एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सबके लिए बन गया। सबका सम निकालोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये बन गया एक्सप्लेनेशन आपका नॉन पोलर मोलिक्यूल का। तो अगर आपने डायग्राम ड्रॉ किया तो डायग्राम का नाम भी लिखो, नॉन पोलर मोलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हो गया आपकी ए डायग्राम। नेक्स्ट देखते हैं पोलर मोलिक्यूल अगर आपके पास है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, पोलर मोलिक्यूल में ऑलरेडी एक डायपोल जनरेट होता है या उसके पास होता है। ये डायपोल क्यों बनता है, क्योंकि कभी कभी कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा अगर हीट दे दोगे ना आप, थर्मल एजाइटेशन बोलते हैं उसे, या एनर्जी अगर उसमें है तो अपने आप पोल्स बन जाते हैं और वो रैंडमली किधर भी मूव कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप कुछ भी नहीं ले रहे हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ऐसा कुछ आप ले रहे हो। हम लोग ई जीरो से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे ई जीरो लिखा, और कोई बात नहीं। एनीवेज जैसे ही आप ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखते हो या रैंडमली कैसे भी मूव कर रहे हैं, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है भी तो भी वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। कैसे, देखो ना यहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इसका, पहले का, फिर दूसरे का, ऐसा कुछ तो है, तीसरे का ऐसा कुछ तो है, चौथे का ऐसा कुछ तो है, पांचवे का ऐसा कुछ तो है, छठवा जो है उसका ऐसा कुछ तो है ना, सब एक दूसरे का कैंसिल करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा नहीं, तो पी की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी। लेकिन यहाँ पे लिख देता हूँ, पी की वैल्यू होगी यहाँ पे जीरो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लगाते हो समथिंग लाइक दिस, तो ये हो गया आपका ई जीरो वेक्टर की डायरेक्शन। सो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से अलाइन होंगे और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है आपका वही डायरेक्शन में रहेंगे। तो ये हो गया पोलर मॉलिक्यूल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखते हैं, ये तो बोल दिया हमने लेकिन बोलने से काम नहीं होता, एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो इतना सारा क्यों लिखा है, सो दैट एग्जाम में क्या लिखना है वो आप को पता चले, कीवर्ड्स आपके दिमाग में फिक्स रहे, बाकी की जो चीज है वो आपको खुद के लैंग्वेज में लिखनी है। ऐसा मत करो लाइन टू लाइन बाय हार्ट करो, नहीं करना है बाय हार्ट, नहीं करना है आपको, याद मतलब समझ के लेके करना है। डायग्राम पता है, कितना भी मतलब डायग्राम आपके सामने हो, डायग्राम से लिखने की टेक्निक आपको आनी चाहिए, और लेक्चर्स मेरे देखते रहो आपको अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन में मेरे पास दो है, एक है नॉन पोलर, दूसरा है पोलर, है ना। तो सबसे पहले लिखा है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। पॉइंट नंबर वन, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर्स ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड ईच अदर, बट व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी अप्लाई करोगे तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थोड़े से शिफ्ट होंगे और वहां पे आपको एक टाइनी डायपोल मिलेगा। तो टाइनी डायपोल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ढूंढता है ये वर्ड। देयरफॉर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ये जो आपके पास एक सिंगल एटम जो है उसको खींचता है अपने डायरेक्शन में। तो जब ये खींचता है तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो गए, है ना। तो मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो है इट पुल्स द सेंटर्स अपार्ट, सेंटर्स को दूर खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे मटेरियल का एक इंटरनल बैलेंसिंग फोर्स भी होता है जो इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे पोलराइज्ड। तो यहाँ पे दो फोर्सेस है, एक
तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है दोनों को एक दूसरे से अपार्ट होने से रोकने वाले. सो यस, सो ये हो गया बैलेंस करने के लिए और इक्वल करने के लिए. अदरवाइज टूट के दूर जाता ना, पॉसिबल है क्या ऐसे? एनीवेज नहीं होगा ऐसे. नेक्स्ट है मेरा पोलर डाइलेक्ट्रिक. सो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो ये जो डाइपोल मोमेंट्स है वो कोई भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे. सो नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड. सो यहाँ पे परमानेंट डाइपोल आपको दिखने में नहीं मिलेगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक रैंडमली मूव कर रहा है ड्यू टू थर्मल एजाइटेशन. सो टोटल पी इज अ जीरो. सो टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपकी जीरो हो गई. लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो सारे एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं और आप बोलते हो पोलराइजेशन आ गया. पॉइंट नंबर थ्री, अभी यहाँ पे कितना पोलराइजेशन आएगा है ना, तो ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ के ऊपर कि कितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने स्ट्रेंथ करके रखा है. और यहाँ पे ये जो इंटरनल एक फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर इंसर्ट कर रहा है उनके ऊपर डिपेंड करेगा. सो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इज रिलेटिव स्ट्रेंथ बिटवीन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच अलाइन एंड थर्मल एनर्जी विच इज टेंडिंग टू डिस्टर्ब द अलाइनमेंट. तो ये दो फैक्टर्स के ऊपर आपका पोलराइजेशन डिपेंड करता है कि कितना होगा वो. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर फोर, देयरफॉर ईच मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस अ टाइनी डाइपोल विच इज अ पैरेलल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू इट. तो मतलब जितना आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके प्रोपोर्शन में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा. एनीवेज अभी देखते हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है उसका फॉर्मूला क्या है. सो मैथमेटिकली ये फॉर्मूला आपको रटना है, इसका डेरिवेशन कैसे आया आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. लेकिन आपको ऊपर वाले पॉइंट में एक चीज़ उन्होंने बोली है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी आप अप्लाई कर रहे हो उसके प्रोपोर्शन में होता है. सो पी इज इक्वल्स टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट. अल्फा ये कॉन्स्टेंट है जिसको एटॉमिक या फिर मोलेक्युलर पोलराइजेबिलिटी ऐसे बोलते हैं अल्फा. सो अल्फा का डायमेंशन निकालने के लिए कभी कभी बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है, नॉट स्टेट लेवल लेकिन जेई मेन्स नीट पहले IIEEE करके एग्जाम होती थी उसमें ऐसे सब कॉन्स्टेंट जो होते थे ना उनका डायमेंशन वो पूछ लेते थे, एक फैक्चुअल काइंड ऑफ अ डेटा है. सो अल्फा इज अ पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नॉट. उसमें प्रॉब्लम ये होता था बच्चों को पोलराइजेबिलिटी बोलते किसको है यही नहीं पता है. सो एनी वेज अल्फा इज इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नॉट. तो पी क्या होता है ना, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 12, ये जनरल फॉर्मूला है. सो कूलम मीटर एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर एन माइनस वन एम माइनस टू. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज ना, सो न्यूटन पर कूलम. तो यहाँ पे कूलम कूलम जितना भी है वो सब कट हो जाएगा ठीक है, और न्यूटन न्यूटन कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, मीटर क्यूब. सो अल्फा का डायमेंशन होगा m0 l3 t0 है ना. तो अलग अलग मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू अलग अलग होती है. सो एनीवेज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी आपको अच्छे से समझा ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ. लेट अस डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स. इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले रफ आइडिया समझ के लो जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद फेयर वर्क देखेंगे. देखो मेरे पास एक पॉजिटिव ऐसी प्लेट है, मेरे पास ऐसी एक नेगेटिव प्लेट है, तो सर्टेनली दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो ये डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव. इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको ई जीरो वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब जगह पे होगा. ओके नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, एक हम लोग हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं. और जब भी आप एटम्स का स्ट्रक्चर लेते हो और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पोलर कंसिडर कर रहे हैं. तो जब भी आप पोलर कंसिडर करते हो तो इनिशियली उसके जो डाइपोल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो तो वो एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं. तो हम लोग कौन सी कंडीशन ले रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उनको अलाइन करके हम लोग ये कंडीशन ले रहे हैं. तो एनीवेज ऐसा कुछ दिखेगा, वो माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस प्लस, और ये होते रहेगा है ना, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस. ओके एनीवेज अभी हमें क्या करना है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है ना इसमें से कोई तो एक सेक्शन लो आप, जो भी आपको चाहिए. आप इतना सेक्शन भी कंसिडर कर सकते हो, आप इतना सेक्शन भी कंसिडर कर सकते हो. हम लोग इतना सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन है ना, इतना इतना अगर आप सेक्शन कंसिडर करते हो तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लेने हैं. तो अभी हमें क्या चाहिए, एंड में जाके क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. दूसरी बात यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि डाइलेक्ट्रिक जो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करता है क्या, ठीक है. चार्जेस को तो मूव नहीं करवाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे बड़े लेवल पे, लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जैसा वो एक्ट करेगा क्या. तो यहाँ पे E0 है तो हमें ये फाइंड करना है ये जो स्ट्रक्चर इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है क्या,
और अगर वो बन रहा है तो फिर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो ई जीरो और जो अंदर वाला अगर बन गया तो उसके माइनस में होगा, यह हमें चेक करना है। तो इसके लिए तो इतना सब कर रहे हैं हम लोग। एनीवेज, तो ये थी जनरल आइडिया, लेट सी द एक्चुअल पार्ट। डायग्राम देखो, मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स है और बीच में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो वेक्टर से हम लोग ने रिप्रेजेंट किया। हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक पूरा स्ट्रक्चर ले रहे हैं जहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ऐसा हमारे पास है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हमें क्या करना है, ये नेगेटिव पॉजिटिव ये तो सब हमारे पास है। अभी हम लोग ऐसा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे ही आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हो, ये ऐसी कुछ तो बन जाएगी, ठीक है। मतलब पहले ये नॉन पोलर थी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक जगह पे थे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से इनका स्ट्रक्चर ऐसा हुआ है। अभी आप बोलेंगे सर फिर वो वाला डायग्राम क्यों नहीं ड्रॉ किया, कितना डायग्राम ड्रॉ करोगे, एग्जाम में 2 मार्क के लिए आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। पहले ये ऐसे नहीं था, पहले ये सेंटर में थे, नेगेटिव पॉजिटिव सेंटर एक जगह पे था, लेकिन जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे क्या होगा, थोड़ा सा दूर जाएगा और ऐसा कुछ तो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। तो डायरेक्टली हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं, समझ रहे हो, ओके। नहीं तो कुछ कुछ बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप नॉन पोलर ऊपर लिखा और इधर पोलर ड्रॉ करके रखा है। नो, पहले ये पोलर था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से नॉन पोलर होता है। एनीवेज, होता है, बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन, तो लाइक मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन आप पूछने वाले हो, तो अल्टीमेटली अगर मैं ही पहले से बता दूं तो आधे डाउट्स कम हो जाएंगे। एनीवेज, सो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। हम लोग ए बी सी डी ऐसी वो स्लैब का नाम रख रहे हैं। अभी कोई भी आप एक एटम कंसिडर करो तो डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होगा, डाइपोल है। तो डिस्टेंस जो है वो एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, तो डिस्टेंस जो है वो एक्स से रिप्रेजेंट किया है हम लोग ने। एनीवेज, सो यहाँ पे अगर मुझे डाइपोल निकालना है तो कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हो क्या आप, लिख सकते हैं ना, बिकॉज x डिस्टेंस है आपका। तो ये एक एटम के लिए होगा। तो अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के लिए चाहिए, एक पूरा का पूरा यूज वॉल्यूम है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हो गई पहला पॉइंट, लेट अस डिस्कस क्या क्या है। सो लेट ऑल एटम्स गेट्स पोलराइज्ड व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो सेंटर ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस गेट्स डिस्प्लेस्ड एंड वी गेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P फॉर अ इंडिविजुअल एटम विच इज रिप्रेजेंटेड बाई P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू एक्स। यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इफ n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो एक पूरा वॉल्यूम आपने कंसिडर किया, तो वॉल्यूम के अंदर क्या बहुत सारे ऐसे होंगे ना, ये तो 2 डायमेंशन में है, एक्चुअल में इसका वॉल्यूम होगा तो 3 डायमेंशन में होगा, तो वॉल्यूम लिखना पड़ेगा आपको, है ना, बड़ा सा स्ट्रक्चर। सो कैपिटल n नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, देयरफॉर टोटल डायपोल मोमेंट डेंसिटी P इज गिवन बाय n इनटू P। तो स्मॉल p क्या रिप्रेजेंट करता है, एक छोटा सा आपने ड्रॉ किया था वो, कैपिटल n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे कितने सारे हैं और इनका प्रोडक्ट ही कैपिटल P से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो p के जगह पे क्या लिखोगे, q इंटू एक्स जो ऊपर लिखा है, तो ये हो गया टोटल डायपोल मोमेंट डेंसिटी। एनीवेज, तो ये हमने लिख दिया। सो यहाँ पे p रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, तो ये p को क्या नाम है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, ये नंबर है, ठीक है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा, मीटर क्यूब होगा, और पी क्या है, कूलोमीटर, सो कूलोमीटर अपॉन मीटर क्यूब कट हो जाएगा, कूलोम अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसको ही बोलते हैं कूलोम अपॉन मीटर स्क्वायर किसके जैसा है, चार्ज पर यूनिट एरिया के जैसा है क्या, तो चार्ज पर यूनिट एरिया को ही आप क्या बोलते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको आप सिग्मा आई से रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। सो क्यू आई अपॉन ए, क्यू आई क्या रिप्रेजेंट करता है, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितने सारे चार्जेस है, और एरिया आप एरिया क्यों आया यहाँ पे, बिकॉज ये कट हुआ इसलिए आया, समझ रहे हो ना आप। एनीवेज, लेट स्मॉल वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस, तो ये डायग्राम में जो आपको लाइंस दिख रहा है वो वॉल्यूम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। देयरफॉर नेट चार्ज, अगर आप देखते हो वो लाइन पे, तो नेट चार्ज तो आपको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना। तो देखो ना, ये पूरा अगर आप ये डॉटेड लाइन के अंदर अगर देखते हो, तो जितने भी पॉजिटिव उतने इक्वेलेंट नेगेटिव आपके पास है, तो नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया, लेकिन वहां पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। सिंस पॉजिटिव सिट्स क्लोज टू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के नजदीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के नजदीक है, तो एवरी जगह पे अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बन रहा है। देखो ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टीमेटली क्या बन रहा है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है। अभी सरफेस ऑफ अ डायलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर, अभी यहाँ पे अगर आपने ये ऊपर वाला सरफेस लिया और एक एरिया वेक्टर बाहर की तरफ निकाला, इलेक्ट्रिक वेक्टर ये डायरेक्शन में जा रहा है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आगा, तो एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बनेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। सो एनीवेज, ये एक इतना ज़्यादा यूजफुल पॉइंट नहीं है, लेकिन
एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी बुक्स में लिखा है तो इसलिए ले रहे हैं. सो सरफेस ऑफ अ डायलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सो नो चार्ज डेंसिटी है ना, तो वहाँ पे कोई भी चार्ज डेंसिटी नहीं होगी. नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 5. हाँ ये इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 5 में देखो, अभी अगर आप ए बी एंड कंसिडर करते हो ना, तो ए बी एंड के एक जगह पे देखो आपको सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं और जो सी डी है उसके जगह पे आपको सारे के सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं. तो अगर इक्विवेलेंट नेगेटिव और पॉजिटिव है तो अंदर क्या जनरेट करेंगे, या पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे जिसको आप ईपी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हो. तो देखो ई जीरो वेक्टर मेरे पास है और हम लोग ने एनालिसिस करते करते कहां तक पहुंचे, ईपी वेक्टर हमारे पास मिल गया है. सो एनीवेज, सो नेगेटिव एंड ए बी के यहाँ पे है और पॉजिटिव एंड डी सी के यहाँ पे, और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ये इंडिविजुअली न्यूट्रल नहीं है. न्यूट्रल कौन से है? सिर्फ अंदर वाली न्यूट्रल है, जो एकदम बाहर वाले वो न्यूट्रल है नहीं. सो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं एंड इसको बोला जाता है इंड्यूस चार्ज और पोलराइज्ड चार्ज, है ना, सेटअप ई पी वेक्टर विच इज अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गिवन बाई ई जीरो माइनस ई पी, और इसको इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है, और इसकी वैल्यू सर्टनली कम होगी विच इज डिक्रीज इन वैल्यू. हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था, देखो अगर मेरे पास ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके अंदर अगर मैं कंडक्टर रखता हूँ तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो आ जाती है ना. लेकिन जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंसिडर करो तो वहां पर आंसर जीरो नहीं आ रहा है. आ रहा है कि जीरो नहीं आ रहा है? तो दैट्स व्हाई डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है, ऐसा बोला जाता है. गॉट द पॉइंट? ओके चलो. सो ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, अगर आप सिग्मा के टर्म्स में उसको निकालना चाहते हो तो. सो वन अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा आई की जगह पे क्या लिख सकते हो, क्यू आई अपॉन ए. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो पी अपॉन ई, ठीक है. सो क्यू आई अपॉन ए की वैल्यू ही पी के इतनी है, सो दैट्स व्हाई हम लोग वहाँ पे पी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कैपिटल पी है वो. सो टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डेंसिटी कैपिटल पी को बोला जाता है, ये कैपिटल पी है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं. एनीवेज इसको भी थोड़ा बड़ा लिख देते हैं. सो कैपिटल पी और स्मॉल पी को सही ढंग से लिख के आना. सो वी कैन से दैट E नॉट अपॉन E इज इक्वल टू K. तो ये एक रिलेशन हमारे पास है. सो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने प्रॉपर डिस्कस किया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, जब भी आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो क्या बनता है, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करता है क्या, तो आंसर इज अ यस. लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है. अभी ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये क्या चीज़ है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रपोर्शन में होता है. तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग उतना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट स्ट्रांग. सो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई. सो हमारे पास एक रिलेशन है जो हम लोग ने लिखा था, ई पी इज इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन. तो वहां पे क्या था, ई पी अपॉन पी एप्सिलॉन, ये हमारे पास है. तो पी इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन इंटू ई होगा, है क्या नहीं. तो अगर मेरे पास ऐसा रिलेशन है, सो पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के सिंबल को अगर आपको इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, दैट इज अ चाय. तो ये जो x जैसा सिंबल, इसको चाई बोलते हैं, और इसका मतलब है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डाइपोल. सो एनीवेज इसको रीअरेंज करोगे तो चाई एप्सिलॉन ई ऐसा इक्वेशन मिला. अभी ये क्या है, ठीक है, ये ससेप्टिबिलिटी ये क्या चीज है, ये डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ अ डाइपोल कैसा है. जब भी आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जनरेट कर रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी वो कितना जनरेट कर रहा है, ये सब चीज़ें जो है वो ससेप्टिबिलिटी ऐसा बोलते हैं. सो डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल वैक्यूम में जो साई चाय है इसकी वैल्यू जीरो के बराबर होती है, तो अलग अलग मटेरियल के डेफिनेटली उसकी वैल्यू अलग अलग है. सिंस पी इज अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट एंड पी का ही और एक वैल्यू है चाई एप्सिलॉन ई, तो अगर ये दो वैल्यूज है आपके पास, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी E इज इक्वल टू ई जीरो माइनस ई पी, तो ई पी के जगह पे क्या लिखोगे, पी अपॉन एप्सिलॉन. तो लिख दिया एप्सिलॉन ई नॉट, तो आपके पास है, पी के जगह पे क्या लिख सकते हो, आपके पास दो पॉसिबल इक्वेशंस है, तो इसमें से ये वाला लिखते बिकॉज ससेप्टिबिलिटी के टर्म में हमें फाइनल आंसर चाहिए. सो ससेप्टिबिलिटी एप्सिलॉन ई अपॉन तो ये कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ई नॉट माइनस साई इंटू ई. तो रीअरेंज करते इक्वेशन को, ई जीरो एक जगह पे और ये बाकी का पूरा टर्म दूसरे साइड पे जाएगा. सो ई जीरो इज इक्वल टू ई प्लस साई ई विच इज इक्वल टू ई वन प्लस साई. तो ये बन गया है मेरे पास एक इक्वेशन. अभी रीअरेंज करते ई नॉट अपॉन ई के टर्म्स में, सो ई नॉट अपॉन इक्वल टू वन प्लस चाई विच इज इक्वल टू के.
तो ये बन गया एक इक्वेशन वन और टू मार्कर के लिए इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी पूछा जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चों के एक दो मार्क्स जाते हैं ना वो यही सब इक्वेशन में जाते हैं, क्योंकि जनरली आपका जो फोकस होता है वो गॉस थ्योरम पूछा आपको आता है, उसके बाद कूलम्स लॉ पूछा आता है, कैपेसिटर पूछा आता है, ये सब डाइलेक्ट्रिक स्लैब वगैरह पूछा तो बच्चे नहीं लिख पाते मोस्ट ऑफ द बच्चे, मैंने देखे जब भी पेपर चेक किए यहाँ पे कुछ भी लिख के आते हैं, और सर्टनली वो जो एक दो मार्क होते हैं ना जो सबके जाते हैं 99 जब भी फिजिक्स में मिलते तो एक मार्क इधर ही जाता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इतना कुछ फोकस नहीं देते आप, रिविजन में भी इतना नहीं आता, तो जब भी रिविजन करोगे ना सेकेंड थर्ड टाइम तभी उल्टा रिविजन करना, रिविजन कैसे करते इफेक्टिवली उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो आपको ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के बारे में एक जनरल आइडिया मैंने दे दिया है, आई होप सो ये आपको समझा। नेक्स्ट देखते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये चीज का क्या मतलब है, ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है ना, मतलब मेरे पास एक रबर है उसको खींचो आप, एक पॉइंट तक तो कुछ नहीं वो आराम से खींच जाएगा, लेकिन और जोड़ा फोर्स अप्लाई करोगे तो वो टूट जाएगा, मतलब एक पॉइंट के बाद वो टूट रहा है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ एक पॉइंट तक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का भी मतलब यही होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग डाउन इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। तो कोई भी अगर मेरे पास मटेरियल है तो इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक किए बिना जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर सकते हो वो चीज़ को ही बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगेन वन मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दोनों दो मार्क के लिए पूछ सकते हैं, आपको वो प्रॉपरली लिखने आना चाहिए।